हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को हम दोनों लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे और पढ़ा लिए थे, तो हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23-24 खत्म कर लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25-28 तक, इसको भी पढ़ लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अगला अधिकार का नाम है मेरे दोस्त, उस अधिकार का नाम है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं, आपका अगला अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आप लोगों को अनुच्छेद नंबर 28 तक पढ़ा दिया था। चलिए इस वाले अधिकार का नाम है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इस वाले अधिकार का नाम है मेरे दोस्त शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कहां से कहां तक मिलेगा मेरे भैया, तो अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। चलिए देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30 क्या मिलेगा, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहां से कहां तक मिलेगा, तो अनुच्छेद नंबर 29 एवं अनुच्छेद नंबर 30। चलिए देख लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 29 में क्या बात कही गई है और ये अनुच्छेद नंबर 30 में क्या बात कही गई है, यह देखना है। दो अनुच्छेद देखेंगे, फिर इसके बाद अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक की ओर, और उसका नाम रहेगा 31, 32, 33, 34, 35। चलिए देखेंगे अनुच्छेद नंबर 29 में किसकी बात कही गई है मेरे दोस्त, तो अनुच्छेद नंबर 29 में जो बात कही गई है उसका नाम है, देखिए, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, किसका मेरे दोस्त, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। चलिए देख लेते हैं, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का मतलब होता है अल्प मतलब कम हो, संख्यक मतलब संख्या, अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र में जिसकी किसकी, तो मानवों की, क्या मानवों की या नागरिकों की, सीधा सीधा कर ले मेरे दोस्त, नागरिकों की। भारत में किसी भी क्षेत्र में नागरिकों की जनसंख्या कम रहती है या कहीं पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अंतर यह जानिए कि मान लीजिए हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे। वहां पर मुस्लिम धर्म यदि कम हो गया तो मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक हो जाएगा। मान लीजिए जैन और सिख कम हो गए तो क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जैन और सिख ज्यादा हो गए, हिंदू यदि कम हो गए तो क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू। एक बात जान को आप लोगों को विचित्र महसूस होगा कि जो आपका नागालैंड राज्य है मेरे दोस्त, वहां पर मुस्लिम और हिंदू माइनॉरिटी किसके अंतर्गत, माइनॉरिटी के अंतर्गत यानी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, जबकि वहां पर जैन और बौद्ध किसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त, मेजॉरिटी के अंतर्गत यानी बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। कौन, तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के आधार पर, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अरे मेरे दोस्त, कैसे संरक्षण करना है अल्पसंख्यक के हित, हित मतलब भलाई का। देखिए अल्प मतलब कम हो, संख्यक मतलब संख्या, अर्थात जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, और ये उनका संरक्षण कैसे करना है, हित मतलब भलाई, अल्पसंख्यक के भलाई का संरक्षण करना है मेरे भैया। क्या करना है, अल्पसंख्यक के भलाई का संरक्षण करना है। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं किस किस आधार पर करेंगे, तो आपको किस किस आधार पर, पहला वाला देखिए भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, फिर जाति के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, फिर जाति के आधार पर, फिर
धर्म के आधार पर, फिर संस्कृति के आधार पर, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति तथा लिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। क्या करना है मेरे भैया? देखिए, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या करना है आपको? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय खोल दिए हम, क्या कर दिए, कोई विद्यालय खोल दिए, अब कोई विद्यालय खोल दिए, अब उसमें हम क्या कहेंगे, भाषा के आधार पर, मान लीजिए भाषा का मतलब हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश, तमिल, हो गया, ये सब भाषा है, ठीक है। भाषा के आधार पर लिंग नहीं, कहीं पर लिंग लिखे कहा, लिंग नहीं रहेगा मेरे दोस्त, लिपि रहेगी। क्या रहेगी? लिपि रहेगी। चलिए देख लेते हैं, लिपि के आधार पर। देखिए मेरे दोस्त, गलती हो गया था, उसको लिपि कर लीजिए। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति और लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक के भलाई का या हित का संरक्षण करना। जैसे हम कोई विद्यालय खोल दिए मेरे भैया, अब क्या कहेंगे उसमें, मान लीजिए विद्यालय खोल दिए मदरसा, विद्यालय क्या खोल दिए मेरे भैया, मदरसा खोल दिए, ठीक है। आ इस मदरसा में पढ़ाई जाती है मान लीजिए उर्दू, अरबी, अरबी साहित्य और उर्दू साहित्य, अनेक प्रकार की शिक्षा इसमें दी जाती है, हिंदी भी दी जाती है, ठीक है। और कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें हिंदी की शिक्षा नहीं दी जाती हो मेरे जानने में। देखिए क्या कहेंगे कि मान लीजिए हिंदू धर्म का बच्चा चला गया, हिंदू धर्म का बच्चा चला गया और उसको आ रही है केवल का हिंदी, तो क्या कहेगा ये मदरसा कि तू हिंदी जानते हो, तुम्हें हम अपने अंदर प्रवेश नहीं लेने देंगे, कहेगा नहीं, कहेगा मेरे भैया, मेरे दोस्त, नहीं कहेगा। ये है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण। कि मान लीजिए कोई इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति है, यदि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं कहेगी कि हम तुम्हारा प्रवेश नहीं लेंगे, मदरसा भी नहीं कहेगा। और उतना बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है बनारस में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, कोई आदि मुस्लिम धर्म का बच्चा या व्यक्ति या नागरिक मेरे भैया क्या पढ़ना चाहता हो, संस्कृत पढ़ना चाहता हो, तो क्या उसको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपने अंदर प्रवेश लेने के लिए मना करेगा? नहीं मना करेगा। ये है भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, कोई भी जाति का व्यक्ति हो उसे पढ़ने देंगे, सीधा सीधा बात। धर्म के आधार पर, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा, कहेंगे नहीं कहेंगे। का हिंदू धर्म का व्यक्ति मदरसा में प्रवेश नहीं लेगा, ऐसा नहीं कहना है मेरे भैया, ठीक है। ये हमारे भारत के मूल अधिकार का, मूल अधिकार का क्या होगा मेरे दोस्त, हनन होगा। आगे देखिए, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति का मतलब क्या होता है, जैसे कपड़ा उपड़ा पहनना, अपने धर्म के बारे में संरक्षण करना, पीछे बता दिए धार्मिक संरक्षण, लेकिन धर्म से जुड़ी होती है संस्कृति, धर्म से ही मेरे दोस्त क्या जुड़ी होती है, संस्कृति। जैसे मान लीजिए मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति हो, या महिला को ले लेते हैं, मुस्लिम धर्म की महिला हो कोई, अब देखिए विद्यालय में सभी लोग क्या पहन के, मान लीजिए सलवार समीज पहनकर सभी बच्चियां गई हैं, अब कोई बच्ची हिंदू धर्म की ना होकर मुस्लिम धर्म की हो और वह हिजाब पहनकर चली गई, ठीक है, तो उसको देखकर का उसको संस्कृति है उसकी, उसकी संस्कृति के आधार पर उसको का विद्यालय से निकालेंगे, प्रवेश लेने के लिए वर्जित करेंगे, ऐसा नहीं करना है मेरे भैया। फिर देखिए मान लीजिए हिंदू धर्म में प्रणाम करते हैं, सलाम और प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अगर ज्यादा बड़ा है व्यक्ति तो उसका पैर छूते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सिख हो गया, सिख में वाहेगुरु ये सब होता है, फिर इसके बाद शास्त्रीय काल, फिर इसके बाद हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, मुस्लिम धर्म में चलिए, मुस्लिम धर्म में मेरे भैया आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम होता है, ठीक है, इस संस्कृति है। अब देखिए जो सिख समुदाय हो गया, अब जो आपका चर्च में जाते हैं, कौन जाते हैं लोग, ईसाई लोग, ईसाई लोग आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये सब करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को भी जो हिंदू धर्म का हो या जो सिख धर्म का हो, वैसे व्यक्तियों को क्या इस मदरसा में या संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए वर्जित किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा, किया जाएगा मेरा दोस्त, नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रवेश लेने के लिए वर्जित नहीं किया जाएगा। यही है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ये तो भैया संस्कृति के आधार पर था, अब देखिए लिपि के आधार पर। मान लीजिए
हमने पढ़ा दिया क्या, भाषा। भाषा से जुड़ी होती है लिपि। भाषा से जुड़ी क्या होती है, लिपि। उसके जुड़ने का मतलब समझिए तो अभी समझना, कैसे समझिएगा, आराम से एकदम समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, भाषा मान लीजिए हमारी कौन सी है, हिंदी। अरे किस भाषा में लिखे हैं, हिंदी भाषा में, लेकिन कौने लिपि में पढ़ा के लिख रहे हैं मेरे भैया, देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि हो गई मेरे दोस्त, देवनागरी लिपि। अब देखिए जो उर्दू लिखा जाता है, फिर इसके बाद फारसी लिखी जाती है, अरबी लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है मेरे दोस्त, अरे भैया खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि में। अब देखिए कहेगा कि खरोष्ठी लिपि है, धनिया से है, धनिया लिखी जाती है, ठीक है, अलीफ बे पे ते ऐसे झूम झूम के लड़कवा पढ़ते हैं तो खरोष्ठी लिपि है, धनिया से है, धनिया लिखी जाती है। जबकि आपकी देवनागरी लिपि इधर से इधर लिखी जाती है। क्या कोई बच्चा इधर से इधर लिखने वाला चला गया संस्कृत विश्वविद्यालय में तो उसका प्रोफेसर चाहे तो उसका चांसलर वाइस चांसलर उसको मना करेगा का, नहीं मना करेगा। अच्छा तो इधर से इधर लिखने वाला व्यक्ति चला गया है मदरसा में तो मदरसा के जो मौलवी साहब रहेंगे और मौलाना साहब का मना करेंगे, नहीं मना करेंगे मेरे दोस्त। यही है क्या अनुच्छेद नंबर 29, यही क्या है मेरे भैया अनुच्छेद नंबर 29। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अनुच्छेद नंबर 30 पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए जल्दी से, अनुच्छेद नंबर 30, अनुच्छेद नंबर 30 में चलिए देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 30, अनुच्छेद नंबर 30 का है मेरे दोस्त, देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 30 कहता है कि अल्पसंख्यक, हमने बताया है क्या, इसमें बताए हैं कि अल्पसंख्यक अपनी क्या कर सकते हैं, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहा गया कि लिपि के आधार पर, भाषा के अनुसार, लिंग जाति धर्म इस सब के आधार पर अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कर। कैसे, कहा गया अनुच्छेद नंबर 30 में क्या कि अल्पसंख्यक को मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने की व्यवस्था की जाएगी। अल्पसंख्यक को मनपसंद शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक को मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने की शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अरे भैया मान लीजिए कहां पर सुरक्षित करेंगे, ही तो अपना भलाई। तो कह लिया गया था कि अल्पसंख्यक को मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने की क्या है मेरे भैया, स्वतंत्रता है, ठीक है। अल्पसंख्यक को जैसे खोलने की स्वतंत्रता है वो खोल लिया, अब उसमें शिक्षक आएंगे पढ़ाने के लिए, अध्यापक आएंगे तो उनको पैसा कौन देगा। तो अगला बतिया इसी में कह दी गई का कि राज्य उसको वित्त पोषित भी करेगा, या राज्य वित्त पोषित करने के लिए किसको, अल्पसंख्यक का जो शिक्षण संस्थान है जैसे मदरसा हो गया, तो बता ही दिए मदरसा के बारे में। क्या मदरसा में जो अध्यापक आएंगे मौलवी साहब या मौलाना साहब आएंगे, उस मौलवी मौलाना साहब को पैसा कौन देगा। तो इसमें कहा गया कि राज्य पैसा देगा, और राज्य पैसा देने में भेदभाव नहीं करेगा, राज्य पैसा देने में भेदभाव भी नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। देखिए कितनी
जबरदस्त, कितना जबरदस्त मेरे भैया संविधान लिख कर गए हैं उस समय के नेता लोग, इतना जबरदस्त लिख कर गए हैं, मैं सलाम करता हूं उनको। गजब खतरनाक संविधान लिख कर गए। कहा गया कि अल्पसंख्यक अपने हित का संरक्षण कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, कैसे? तो जाति, जाति फिर इसके बाद लिंग, भाषा, लिपि, धर्म, इन सब के आधार पर भेदभाव का निषेध। अरे कहा गया कि हित का संरक्षण कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, फिर कहा गया कि पूछना सुन कहां करब? तो कहल गए मेरे भैया अल्पसंख्यक को मनपसंद शिक्षण खोलने की व्यवस्था होगी या स्वतंत्रता होगी। अरे स्वतंत्रता तो होगी मेरे दोस्त, उसमें पैसा कौन देगा मदरसा को? कैसे? छात्रवृत्ति बच्चों को कौन देगा? उसके मास्टरवा को पैसा कौन देगा? तो कौन देगा मेरे भैया? राज्य देगा। कौन देगा मेरे दोस्त? राज्य देगा। और राज्य पैसा देने में भेदभाव करेगा नहीं करेगा? यदि राज्य किया जाएगा या करेगा तो राज्य दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूं मेरे दोस्त अनुच्छेद नंबर 29 आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्त।